दोस्तों गैलेक्सी, इस गैलेक्सी में एक ग्रह है पृथ्वी जिसमें हम इंसान रहते हैं और ये इंसान आज के समय में मार्स तक पहुंच गया है और तकरीबन हमारे साइंटिस्टों ने इस ब्रह्मांड में 200 बिलियन तक गैलेक्सी ढूंढ चुके हैं। इन गैलेक्सी को देखने का शुरुआत होता है आज से कई वर्ष पहले सन 1608 में जब पहली बार दूरबीन का आविष्कार हुआ। इस दूरबीन का आविष्कार हैंस लिफर्सी ने किया था और हम इतना तो जान चुके हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग की वजह से हुआ था और तब से आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन गैलेक्सी के निर्माण के ऊपर साइंटिस्टों ने दो थ्योरी दी है। पहला आता है द टॉप डाउन थ्योरी। इस थ्योरी को सन 1962 में एलन सैंडर्स, डोनाल्ड लाइनर बेल और ओलिन एजन ने कहा था। उन्होंने हमें ये बताया कि हमारी यूनिवर्स में गैलेक्सी से पहले गैस क्लाउड हुआ करते थे और डार्क मैटर के कारण ये गैस क्लाउड छोटे छोटे हिस्सों यानी क्लम्स में बट गए। ये क्लम्स ग्रेविटी पुल के कारण आपस में जुड़ने लगे और काफी डेंस हो गए। अंततः इनके सेंटर में ग्रेविटी पुल इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और धीरे धीरे स्टार्स का जन्म होना शुरू हो गया। अब ये स्टार्स ग्रेविटी के कारण नजदीक आने लगे और फिर स्टार क्लस्टर का निर्माण हुआ। ये क्लस्टर आपस में जुड़ गए और अपने केंद्र का चक्कर लगाना शुरू कर दिए और इस प्रकार गैलेक्सी का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन इस थ्योरी को आज तक स्वीकार नहीं किया गया है। दोस्तों अब आता है थ्योरी नंबर 2, द बॉटम अप थ्योरी। ये थ्योरी एक आधुनिक सिद्धांत है। इसमें वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत पहले छोटे छोटे मेटल क्लम्स थे। ये क्लम्स डार्क मैटर के प्रभाव के कारण ये क्लम्स आपस में जुड़ गए और फिर गैलेक्सी का निर्माण शुरू हुआ। वैसे इस ब्रह्मांड का निर्माण आज से तकरीबन 13.7 बिलियन वर्ष पहले बिग बैंग के कारण हुआ था और हमने इस ब्रह्मांड को हबल टेलीस्कोप की मदद से 13.4 प्रकाश वर्ष दूर तक देख पाए हैं। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और डेली यूं ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।